फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ लौकी के छोले। तो लौकी में चना डाल के छोले बनाऊंगी। देखिए, उसके लिए मैं लौकी काट के अभी ले ली हूँ, उसको धो के अभी प्रेशर कुकर में बनाएंगे हम लोग। तो कुकर रखी हूँ, उसमें सब्जी डालूंगी, फिर अभी चना, वो जो बड़ा चना है ना, छोले बनता है, वो चना लूँगी। तो चना को भी धो के अभी डालूंगी इसके अंदर। फिर अभी देखिए, वो चना अभी धुल गया है। तो फिर अभी हल्दी नमक डाल के थोड़ा सा तेल डाल दूंगी। तो फिर अभी गैस पर चढ़ा दूंगी, अभी कुकर में बैठाऊंगी। तो कुकर में अभी सीटी लगेगा, सीटी लग। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर भी करिए और कमेंट भी करिए। देखिए, उसके लिए मैं अभी लहसुन ली हूँ, प्याज और टमाटर, अदरक सब कुछ ली हूँ। अभी हमारे कुकर में सीटी लग गया है, 3 सीटी लगाना है। तो फिर मैं उसके लिए अभी प्याज टमाटर सब काट ली हूँ तड़का के लिए। फिर अभी मैं वो मसाला पीस रही हूँ, तो मसाला अभी पीस दूंगी। तो अभी तड़का लगाऊंगी। देखिए, उसके लिए मिर्ची और तेज पत्ता और जीरा ये सब ली हूँ। तो अभी फिर प्याज डाल दूंगी, फिर अभी मसाला भी डालूंगी। यह हमारा मसाला रेडी हो गया है, देखिए अभी हो रहा है। तो अभी हल्दी और नमक वो सब डालूंगी, मिर्ची का पाउडर डाल के अभी मसाला पूरा से रेडी हो गया है पूरा। तो फिर अभी ये सब्जी को डालूंगी। देखिए, अभी सब्जी बहुत टेस्टी बनेगा दोस्तों, आप ज़रूर ट्राई करिएगा, कमेंट में मुझे बताएगा कैसे बना है। देखिए, अभी रेडी हो गया है। मैं गरम मसाला थोड़ा डाल रही हूँ और थोड़ा धनिया पत्ता डाल के